Lay me down in dark. Cover me in stars. Will you make my bed? Let me lay my head. I have never seen beauty from beneath. Good morning, everyone. तो मैं आप सभी का अपने चैनल अर्बन गार्डनर में वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो हमारी हिबिस्कस प्लांट पे होगी। हिबिस्कस प्लांट को हिंदी में गुड़हल भी कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसकी केयर के बारे में बताऊंगा कि इसे कैसी सॉइल पसंद है, इसे वाटर कब कब देना चाहिए, वैसे कौन से फर्टिलाइज़र पसंद है और इसकी प्रूनिंग कब कब करनी चाहिए और मैक्सिमम ब्लूम के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो मैं आपको बताता हूँ। हिबिस्कस प्लांट दो टाइप का होता है, एक ट्रॉपिकल और एक हार्डी हिबिस्कस। तो ट्रॉपिकल जैसे हमारा इंडिया में टेम्परेचर और क्लाइमेट रहता है उसके लिए बेस्ट रहता है, तो ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन के लिए आइडियल प्लांट है ये वाला ट्रॉपिकल हिबिस्कस। और जो हार्डी होता है वो कोल्डर क्लाइमेट्स के लिए बेस्ट रहता है। तो आज हम ट्रॉपिकल हिबिस्कस की बात करेंगे। ये कंटेनर के लिए बेस्ट, बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लांट है और ये अपने बड़े बड़े फ्लावर्स के लिए जाना जाता है और ये बहुत से कलर में मिलता है। इसमें आजकल वेरिएटेड कलर्स भी आ गए हैं, मतलब मिक्स कलर भी आए हुए हैं और ये सिंगल और डबल शेड में मिलता है। इस प्लांट के बहुत से मेडिसिनल यूज भी हैं। इनके फ्लावर और लीव से टी या लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, वेट लॉस या फीवर में बहुत हेल्पफुल हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा ये आपके सामने जो हमारा हिबिस्कस प्लांट है ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये देखिए, ये मैंने करीब कटिंग इसमें 16 दिसंबर 2016 में लगाई थी। तो ये इसने काफ़ी टाइम लिया, विंटर में लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो हो गई है। इसमें देखिए काफ़ी सारे बर्ड्स भी हैं और मैंने ये दूसरे पॉट में पॉली बैग में भी लगाए थे। इसमें दो कटिंग है हमारी, ये भी सक्सेसफुल हो गई हैं लेकिन इनमें कोई भी बर्ड नहीं आया अभी। इसके साथ हमारा ये देखिए टमाटो प्लांट भी उग गया है इसमें, तो मैं बाद में ने अलग कर लूँगा। तो आज हम इस प्लांट को यहाँ पे इस पॉट में लगाने वाले हैं। ये देखिए, आप एक सबसे पहले एक पॉट ले लीजिए जिसमें अच्छे से ड्रेनेज होल हो, ये देखिए। और इस होल में हम एक स्टोन रख देंगे, ये देखिए स्मॉल हमने स्टोन रख दिया, ड्रेनेज होल को कवर कर देंगे। ये देखिए, इसे जो हमारा हिबिस्कस प्लांट होता है इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। तो उसके लिए हमने ये देखिए, तो ये देखिए हमने ये मिक्सचर हम इसका प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कोकोपीट लिया हुआ है जो कि मॉइस्चर को होल्ड करेगा और ये हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट ली हुई है। आप ऐसी ऑर्गेनिक कंपोस्ट लीजिए या फर्टिलाइज़र लीजिए जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, पोटेशियम ज़्यादा हो उसमें, क्योंकि इस प्लांट को पोटेशियम बहुत पसंद है, उससे ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। और ये हमने फाइन सैंड लिया हुआ है, ये सॉइल को हमारी सॉफ्ट बनाएगा और इसमें अच्छे से फिर रूट डेवलप हो सकती हैं, अच्छे से रूट ग्रो होंगी उसमें। और ये हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं ये मिक्स कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो गया है। तो हम इस कंटेनर को अच्छे से फिल कर लेंगे, ये देखिए इसे हाफ से ज़्यादा फिल करना है, 2/3 इसे फिल कर लीजिए। ये देखिए हम इसे अच्छे से फिल कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने पॉट में सॉइल ये हमारा मिक्स जो था वो फिल कर लिया अच्छे से। अब हम इसे इसके जो पॉली बैग है इससे निकाल लेते हैं। तो आप ये पॉली बैग से निकालते हुए ध्यान रखिए कि इसे हिबिस्कस प्लांट को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि उसके रूट सिस्टम को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया जाए। तो इसे आप बिल्कुल केयरफुली निकालें, अच्छे से निकालें। तो मैं ये निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हमने ये इसे पॉली बैग से निकाल लिया है और हम यहाँ पे बीच में एक इसे होल करेंगे मिडल में बीच बिल्कुल, ये देखिए। अब इसमें हम इसे शिफ्ट कर देंगे, आराम से उठाएं, बिल्कुल भी रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो इसकी। ये देखिए, ये हमने रख दिया है। अब इसमें हम अच्छे से सॉइल फिल कर देंगे, ये देखिए। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इस पॉट को फिल कर दिया है सॉइल से जो हमारा मिक्स था, अच्छे से हमने लगा दिया है इसे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे भी
ये जो हमारा हिबिस्कस प्लांट है प्रेफर करता है कि ये कोजी फिट रहे, मतलब जब भी हम इसे कंटेनर में ग्रो करते हैं तो इसे रूट बाउंड होना अच्छा लगता है। आप जब भी इसे रिपॉट करें, मतलब जैसे 6 इंच के पॉट में ये है अभी, तो इसे नेक्स्ट टाइम 8 इंच पॉट में रिपॉट करें, इसे ज़्यादा रूम ना दें प्लांट को। और इसे जो सॉइल पसंद है वो वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, जो क्ले सॉइल बिल्कुल भी ना हो। क्ले सॉइल में ये होगा कि इसमें वाटर होल्ड हो जाता है, लॉग हो जाता है वाटर, तो उससे इसकी स्टेम्स को डैमेज पहुंचता है और ये धीरे धीरे अपनी सारी लीव शेड कर देगा, मतलब इसमें झड़ जाएंगी लीव्स और धीरे धीरे इसकी फिर ये आपका प्लांट मर जाएगा अगर इसमें वाटर आप ज़्यादा देंगे और वाटर इसमें स्टैंड होगा तो पॉट में। तो देखिए हमारा प्लांट अच्छे से लग गया है, तो अब इसमें हम वाटर दे देंगे। ये देखिए, जब भी आप प्लांट को रीपॉट करें तो अच्छे से वाटर दे दीजिए उसे। ये देखिए हमने अच्छे से वाटर दे दिया है, तो ये देखिए हमने वाटर दे दिया अच्छे से इस प्लांट को, अपने इस पॉट में अच्छे से वाटर फिल कर दिया। तो जब भी ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो हमारा प्लांट, तो इसे आप ज़्यादा वाटर दीजिए, क्योंकि इसे तब ज़्यादा वाटर की नीड होती है, लेकिन इसे ज़्यादा वाटर भी नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा वाटर देंगे इस प्लांट को तो ये पहले अपनी सारी लीव्स शेड कर देगा, फिर ये धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और फिर ये प्लांट मर जाएगा आपका। तो इसे ज़्यादा वाटर भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसे आप वाटर बिल्कुल, जैसे जब भी इसमें सॉइल ड्राई हो जाए तभी वाटर दें इसमें प्लांट में। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी ऐसी फ्लावरिंग दे, तो इसे 5 to 6 hours रोज़ सनलाइट दीजिए। ये शेड में ग्रो होने वाला बिल्कुल भी प्लांट नहीं है, इसे मिनिमम 5 to 6 hours डायरेक्ट सनलाइट रोज चाहिए होता है। तो इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर रहता है वो 20 to 35 degrees Celsius इसे टेम्परेचर पसंद है, उसमें ये ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करता है। और फ्रीजिंग टेम्परेचर इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें इसमें इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो आइए फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। जब भी आपका प्लांट ग्रोथ स्टेज पे हो तो उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और वो ग्रोथ स्टेज इसकी समर सीज़न में होती है। तो समर सीज़न में आप इसे हाई पोटेशियम फर्टिलाइज़र दें, वो हर 15 से 20 डेज़ में आप इसमें ऐड करें प्लांट की सॉइल में। हाई पोटेशियम फर्टिलाइज़र मतलब जिसमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो, और आप इसमें बनाना पील्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 42% पोटेशियम होता है बनाना पील्स में। आप उसे क्रश करके इसकी सॉइल में मिला सकते हैं। समर में ही इसमें ग्रोथ होती है, समर में इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो समर्स में ही आप इसे फर्टिलाइज़र ऐड करें। विंटर में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र इसमें ऐड ना करें, क्योंकि उस टाइम ये डोरमेंसी में चला जाता है, तो उसे कोई फर्टिलाइज़र की तब बिल्कुल भी नीड नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम प्रूनिंग की बात कर लेते हैं। जैसे जब भी इसमें जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, मतलब विंटर्स में डोरमेंसी पीरियड होता है, उससे पहले आप इसे प्रून कर दीजिए। आप इसे हैवी प्रून भी कर सकते हैं, फिर ये जब इसका सीज़न आएगा, समर सीज़न स्टार्ट होगा, तब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और बुशी बनाने के लिए, बुशियर प्लांट बनाने के लिए आप इसे अच्छे से प्रून कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डोरमेंसी पीरियड से पहले इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो हिबिस्कस प्लांट में जो पेस्ट लग जाते हैं, जैसे इसमें ज़्यादातर वाइट फ्लाइज, एफिड्स, माइट्स लग जाते हैं। इंडिया में यहाँ पे वाइट फ्लाइज बहुत लग जाते हैं इस प्लांट में, वो सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े इसमें स्टेम्स में दिखते हैं होंगे आपको। हरी जो भी जितने भी हिबिस्कस प्लांट्स होते हैं सब पे ही लग जाते हैं वो। तो उसके लिए आप जो घर पे आप बर्तन धोने के लिए सोप यूज़ करते हैं, डिश सोप जो होता है, तो उसे वाटर में मिला के आप वो स्प्रे कर सकते हैं। हर 15 से 20 डेज के बीच में आप स्प्रे कर दीजिए, जब भी मतलब जब भी इंसेक्ट ना हो उस प्लांट पे, और जब इस इंसेक्ट लग जाए उस प्लांट पे तो आप डेली उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही हेल्प मिलती है, वो जो इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं उससे। और आप इसमें गार्लिक स्प्रे या नीम ऑयल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट पे। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल अर्बन गार्डनर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे अभी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ वीकली। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लांट्स अपने गार्डन में लगाते रहिए। तो अपना ख्याल रखिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।